जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में दूसरे दिन के खो खो सीबीएसई क्लस्टर 19 में संपूर्ण उत्तराखंड और वेस्ट यूपी से लगभग 128 स्कूलों ने हिस्सा लिया। दूसरे दिन के मैच का शुभारंभ सांसद राजेंद्र अग्रवाल, विधायक विजयपाल आरती, एडीएम हापुड़ ज्योत्सना बंधु द्वारा किया गया। दूसरे दिन का शुभारंभ माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिन्हें विद्यालय चेयरमैन राकेश सिंगल, प्रबंधक डॉक्टर आयुष सिंगल, सचिव डॉक्टर रोहन सिंगल, प्रधानाचार्य डॉक्टर निधि मलिक और जेएमएस ग्रुप डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुभाष गौतम ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। दूसरे दिन का मैच दिल्ली ग्लोबल स्कूल मवाना और सेंट मैरी स्कूल मुरादाबाद के बीच खेला गया और ये मैच सेंट मैरी ने एक अंक से जीत लिया। एक मैच कोलंबिया कॉन्वेंट स्कूल और श्री गुरु नानक देव पब्लिक स्कूल हापुड़ के बीच हुआ और श्री गुरु नानक देव पब्लिक स्कूल ने एक पारी में 13 अंकों के अंतर से जीत हासिल की। सर्वोदय पब्लिक स्कूल बागपत ने एसएमएस दत्ता स्कूल के खिलाफ खेला और एसएमएस दत्ता स्कूल ने एक पारी में 8 अंकों के साथ जीत हासिल की। एक मैच एसकेपी स्कूल उत्तराखंड और अल्पाइन स्कूल के बीच खेला गया। एसकेपी स्कूल ने एक पारी में एक अंक से मैच जीत लिया। एसएसपी स्कूल गदरपुर ने सेंट मीरा अकेडमी के खिलाफ खेला और सेंट मीरा अकेडमी ने एक बारी में 19 अंकों से जीत हासिल की। इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल मोरना ने मॉडर्न स्कॉलर अकेडमी उत्तराखंड के खिलाफ खेला। मॉडर्न स्कॉलर अकेडमी ने एक पारी में 6 अंकों से जीत हासिल की। मैच के दौरान छात्राओं में विशेष उत्साह देखने को मिला।